हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फोटोज़ के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में, अभी जो कि रिसेंटली रोल आउट कर दिए गए हैं। क्या ये नए अपडेट है, क्या ये नए फीचर है, आगे आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे गूगल फोटोज़ में, वहाँ पर अगर आप कोई कोलाज बनाते हैं, तो पहले क्या होता था, कोलाज में आपको वहाँ पर सिर्फ एक ही कोलाज बनता था, मतलब बाय डिफॉल्ट एक ही फ्रेम रहता था, उसमें बनता था। बट अब क्या हो गया है, इसमें आपको अलग अलग फ्रेम मिलने वाले। अगर आप कोलाज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको फ्रेम मिलने वाले हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स में अच्छे अच्छे फीचर्स को एड ऑन किया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फोटोज़ के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो अपने प्ले स्टोर में या फिर अपने आई स्टोर में अपने गूगल प्ले स्टोर को अपडेट कर लेना। आप देख रहे होंगे ये लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ किसी भी एल्बम में। यहाँ पर पहला फीचर यह है कि अगर आप कोई कोलाज बनाते थे पहले के टाइम पे, तो वो कोलाज में अगर आप बनाते थे तो बाय डिफॉल्ट एक ही फॉर्मेट रहता था और उसके अंदर वो ऑटोमेटिक बन जाते थे। वहाँ पर आपको कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता था, बट अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपको कैसा बनाना है, कैसा फ्रेम चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और तो कुछ भी आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर कोलाज का ऑप्शन मिलेगा, आपको कोलाज पर क्लिक करना है, तो ये आपका कोलाज यहाँ पर ओपन हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा, फिर ये ऐसा वाला फ्रेम मिलेगा, फिर ऐसा फ्रेम मिलेगा, आप दिख रहे होंगे, फिर ये वन वाले जो है यहाँ पर वन लिखा हुआ है, मतलब कि जो कि एंड्रॉयड वन वाले हैंडसेट है उसके लिए ये। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसको पूरा खरीदना पड़ेगा, मतलब पेड वाला है। यहाँ पर फ्री में भी बहुत अच्छे 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 यहाँ पर आपको फ्रेम मिल जाएंगे, पेड भी है, फ्री भी है, सब आपको अभी लेटेस्ट अपडेट में मिलेंगे। पहले ऐसा एक भी नहीं आता था, बट ये लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर चेंजेस किए गए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कितने सारे फ्रेम मिल रहे होंगे, कुछ पेड, कुछ फ्री, सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों, सेकंड जो अपडेट है वो है मेमोरी से रिलेटेड। आपने देखा होगा आपके पास फोटोज़ में अगर आप बैक आएंगे, आप बोल सकते हैं होम स्क्रीन पर रहेंगे या फिर सर्च वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर ये हाइलाइट्स मिलती हैं, ये आपको मेमोरी वाली जो हाइलाइट्स मिलती है। अब इसके अंदर एक नया अपडेट या बोल सकते हैं नए फीचर्स को एड ऑन किया गया है। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पर इसको खोल लिया है मेमोरी को। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कोई फोटो को देखते हैं तो फोटोज आप देखेंगे जूम इन करके, जूम आउट करके बड़े अच्छे एनिमेशन पे फोटोज ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होती है। आप देख रहे होंगे अगर आपको बैक करना है तो यहाँ से बैक करेंगे वो बैक हो जाता, बट अगर आप इसको रोकना चाहते थे रुकता नहीं था, बट अब ये ऑप्शन मिल गया। आपको थोड़ी देर में प्रेस करके रखना है, फोटो वहां पर रुक जाएगी, फोटो कहीं नहीं जाएगी जब तक आप उसको टैप नहीं करेंगे या फिर यहां से ऑटो प्ले ऑफ इज ऑफ करेंगे। जैसे ही ऑफ करेंगे तो वो आगे आपका काम करना चालू कर देगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट में आपको दे दिया गया। यहाँ पर आपको फोटो चेंज करना है तो आप ऐसे इजीली यहाँ पर फोटोज को चेंज कर सकते हैं, और रोकना हो तो आप रोक भी सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको मेमोरी को क्लोज करना है तो आप नीचे की तरफ क्लोज करते थे, मेमोरी क्लोज होती थी, बट अब मेमोरी ऐसे क्लोज नहीं होगी। अगर आपको उसको क्लोज करना है तो आपको यहाँ पर बैक पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पर बंद होगी, या फिर अपना बैक कैरेजर आपको यूज करना होगा तो ही बंद होगा, क्योंकि अब ये अप डाउन में आपको यहाँ पर आपकी मेमोरी अप डाउन होंगी। अब मेमोरी को आप यहाँ पर अप डाउन कर सकते हैं, तो ये इसलिए ऊपर का कैरेजर को वहाँ पर बंद कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर नीचे क्या दिया गया, जैसे मैं रोक लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे आपको नीचे की तरफ रिवाइज दिस मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट्स का दिया गया है, कब ये फोटो खींची गई है, उस डेट की आपको तारीख दी गई है। अगर कोई लोकेशन वाली होगी तो वहाँ पर आपको लोकेशन भी दिख रही होगी कब ये खींचा गया है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पर नीचे मिलने वाली है जो कि पहले नहीं आती थी। और अगर आपको फोटो सेलेक्ट करना हो तो आप ऐसे करके यहाँ पर फोटो चेंज करते थे, बट अब इसमें एक नया अपडेट आ गया है, अब आप स्लाइड करके भी फोटोज को चेंज और ये डाउन कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली अपडेट में यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि अच्छा चीज़ है यार, ये बहुत अच्छा लगता है। मेमोरी आदमी हर आदमी देखता ही है, बट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और किया गया, अगर आपको इस फोटो की इन्फो लेनी है, अगर आप बाहर होते हैं मतलब नॉर्मल पेज पे होते हैं, अगर आपको इन्फो लेनी है तो आप ऊपर स्वैप करेंगे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट यहाँ पर स्वैप वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फोटो की कब फोटो खींची गई है, इमेज की डिटेल क्या है, बैकअप कितने एमबी का है, सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार ये अपडेट को अभी रोल आउट कर दिया गया है, ये फीचर को। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू।
दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। मेरे जल्दी 20K कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।